अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के मुताबिक कंप्लीट डिटेल में बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से आप किसी भी इंडिकेटर को, अभी हमारे सामने इस टाइम T7 का इंडिकेटर है, तो ये याहुआ का इंडिकेटर है, इसको आज हम कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करेंगे और आप लोगों को बताऊंगा कि आप इसको किस तरीके से इसका वेट कंप्यूटर के ऊपर चेक कर सकते हैं, उसके अलावा सॉफ्टवेयर के ऊपर किस तरीके से वजन लेके आ सकते हैं, उसके अलावा आज हम इसकी कंप्लीट सेटिंग करते हैं और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इंडिकेटर की और सॉफ्टवेयर की सेटिंग किस तरीके से करते हैं तो आपस में इंडिकेटर का वेट जो है कंप्यूटर के ऊपर शो करना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसकी इंडिकेटर की मैं सेटिंग करता हूँ। इंडिकेटर की जो सेटिंग है इस टाइम जो है, आप ये देख सकते हैं कि इंडिकेटर हमने नया यहाँ पे लगाया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये कहता चलूँ कि हमारे चैनल में हर तरह के वेइंग स्केल की कैलिब्रेशन, वेइंग इंडिकेटर की रिपेयरिंग, लोड सेल रिपेयरिंग, हर तरह के इंडिकेटर की कैलिब्रेशन, लोग वेइंग स्केल में किस तरह से चीटिंग करते हैं, वेइंग स्केल की प्राइस, और आप लोगों को वेइंग स्केल से रिलेटेड किसी किस्म का भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग हमारे से यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल में न्यू हैं और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन के ऊपर फौरन क्लिक करें और साथ साथ बेल आइकन के ऊपर क्लिक करते हुए नोटिफिकेशन के ऊपर भी क्लिक करें। उससे ये होगा कि हम जो भी न्यू वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को फौरन मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप लोगों को वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा हासिल हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम लोग जो आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं हमें पता लगे कि आप लोगों को इससे फायदा भी हो रहा है या नहीं। तो चलें दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये 0.817 हमें शो कर रहा है, तो अभी मैं इसकी कैलिब्रेशन करूंगा इसके ऊपर। अभी देखें, मैंने कुछ भी नहीं रखा हुआ लेकिन फिर भी माइनस में वजन शो कर रहा है, क्योंकि अभी हमने कनेक्टर, अभी शुरू में ही हमने कनेक्टर लगाया। ये आप देख सकते हैं, ये T6 का 1 और 6 जो है इसकी, ये इसके कनेक्शन है, 1 6 जो है इसकी एक्सिटेशन है, 8 और 9 जो है इसकी सिग्नल है। तो ये अगर मैं आपको पीछे से दिखा दूं, ये इसका जो फीमेल कनेक्टर है, यहाँ पर लोड सेलों की मेल कनेक्टर लगेगा, उसके अलावा जो इसका मेल कनेक्टर है वहाँ पर फीमेल जो है 3 नंबर और 5 नंबर, 3 नंबर जो है TX है और 5 नंबर जो है इसकी ग्राउंड है। ये हम एक RF232 पोर्ट के साथ लगा देते हैं। उसके अलावा जो है ये लोड सेल के कनेक्शन है, लोड सेल के जो है वो मैं आपको बता दिए हैं, ये भी हम यहाँ पर लगा देते हैं। उसके बाद जब हम इंडिकेटर को पीछे से, आप ये देख सकते हैं कि ये पुश बटन है, इसको हमने प्रेस करके रखना है। जब हम इसको प्रेस करके रखेंगे तो इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं इंडिकेटर ऑन हो गया है, लेकिन अगर मैं इसके ऊपर कोई चीज रखता हूँ तो हमें ये 1.77 जो है वेट माइनस में ही अभी हमें दिखा रहा है। तो अभी हमने सबसे पहले भी हमने कैलिब्रेशन करनी है। कैलिब्रेशन इसकी किस तरीके से है कि हमने क्लियर और फंस के बटन को एक साथ दबाना है। क्लियर और फंस के बटन को जब हम एक साथ दबाएंगे तो हमारे सामने P000 लिखा हुआ आ जाएगा। जब P000 लिखा हुआ आएगा तो हमने यहाँ पर जीरो और टीयर की मदद से 111 जो है इसका ये पासवर्ड है। जब हम इसका पासवर्ड एंटर करेंगे उसके बाद हमने होल्ड के बटन को प्रेस करना है, ये D1 आ जाए। तो आप ये देख सकते हैं कि इस टाइम है हमारे सामने जो है D लिखा हुआ आ गया। D इसकी डेसिमल पॉइंट है, तो अभी डेसिमल पॉइंट हम चाहते हैं कि इसका डिवीजन, इसकी हम चाहते हैं कि 1 डिवीजन हम इसकी 5 कर देते हैं, डिवीजन 5 कर देते हैं। उसके बाद हमने फंड के बटन को प्रेस करेंगे, सॉरी होल्ड के बटन को प्रेस करेंगे, हमारे पास डेसिमल पॉइंट आ गए हैं। डेसिमल पॉइंट इसके 3 हैं, यानी इशारे के बाद कितने 0 होने चाहिए वो हम ये 3 रख दिए हैं। उसके बाद फिर होल्ड के बटन को प्रेस कर देते हैं, ये इसकी फुल कैपेसिटी आ गई है। फुल कैपेसिटी अगर फर्ज करें हमने 30 kg रख देते हैं, 30 kg और 5 ग्राम के ऊपर ये चल रहा है, ये 30 kg। उसके बाद 3 0 होंगे, उसके बाद फिर हम होल्ड के बटन को प्रेस करते हैं, हमारे सामने नो लोड आ गया। जब नो लोड होगा तो प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई भी चीज़ हमने नहीं रखनी है। उसके बाद दोबारा हम होल्ड के बटन को प्रेस करेंगे तो हमारे सामने लोड लिखा हुआ आ गया। अब हम 5 kg का डेड वेट प्लेटफॉर्म के ऊपर रख देते हैं, आप ये देख सकते हैं 5 kg लिखा हुआ है इसके ऊपर। उसके बाद हमने दोबारा होल्ड के बटन को प्रेस करेंगे, ये सेंस करेगा, और दोबारा हमने होल्ड के बटन को प्रेस करेंगे, यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू लिख देनी है, ये 5 kg का डेड वेट है। तो 5 लिखने के बाद हमने 3 0 लिख दिए। उसके बाद दोबारा होल्ड के बटन को करेंगे, ये BT आ गया। BT हमने जो है इसके बर्ड रेट है, BT बर्ड रेट इसके हैं, वो हमने 4 के ऊपर ये 9600 हैं। हमने फिर एंटर कर दिया, उसके बाद N आ गया, और फिर हमने एंटर कर देंगे, ये इसकी LED है,
एलईडी कितनी देर बाद ऑन ऑफ हो, ये सारी इसके अंदर की सेटिंग है। उसके बाद हमने दोबारा होल्ड के बटन को प्रेस करेंगे तो ये 5kg लिखा हुआ आ गया है। अगर हम इसके डेड वेट को ऊपर से हटाते हैं, दोबारा रखते हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि 5kg हमें पूरा ये बता रहा है। अब हम चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर की तरफ। सॉफ्टवेयर में हम देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है और कंप्यूटर के साथ सॉफ्टवेयर के साथ इसको किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। अभी हमने डेड वेट को प्लेटफॉर्म के ऊपर से हटा दिया है, इस टाइम हमें ये जीरो शो कर रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जब हमने इसकी कंप्यूटर के जो केबल है पीछे RF232 की जो केबल है वो हमने पीछे कंप्यूटर के लगा दी है, और अब हमने क्या करना है, हाइपर टर्मिनल जो है, सबसे पहले हाइपर टर्मिनल जो है इसके ऊपर हमने चेक करना है कि हमारा वजन जो है कंप्यूटर के ऊपर आ भी रहा है या नहीं। सबसे पहले हमने कंप्यूटर के ऊपर वजन चेक करना है। तो अभी जो है मैं हाइपर टर्मिनल जो है इसको मैं ओपन कर लूँगा। यहाँ से मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पे वो कह रहा है कोई भी हमने नाम एंटर नेम एंड चूज द आइकन, यहाँ पे हमने कोई भी नाम दे देना है। नाइम हमने नाम फर्श करें हमने ए लिख के, यहाँ पे वो आइकन भी सिलेक्ट करने को कह रहे हैं, हमने आइकन सिलेक्ट नहीं करना, सिंपल हमने ए लिखा है। उसके बाद हमने ओके 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 बटन को प्रेस करेंगे तो अगली हमारे पास वो आ गई है। अब यहाँ पे काउंट यूजिंग के अंदर हमने कॉम पोर्ट सिलेक्ट करना है। ये सीरियल पोर्ट, ये जो केबल जो है हमने जहाँ पे भी लगाई होगी कि कॉम पोर्ट 1 के ऊपर लगाई होगी तो हमने 1 सिलेक्ट कर लेनी है, कॉम पोर्ट 2 के ऊपर लगाई होगी तो हमने कॉम पोर्ट 3 या 2 जो भी है वो हमने सिलेक्ट कर लेना है। इसका हमने कॉम पोर्ट 1 के ऊपर लगाई है तो कॉम पोर्ट 1 के ऊपर मैं सिलेक्ट करके इसको ओके करता हूँ। उसके बाद मैंने फिर दोबारा ओके के बटन को प्रेस करूंगा। अब ये वो पूछ रहा है कि बिट्स पर सेकेंड, ये अभी हमने वहाँ पे 4 रखी थी, 4 थी 9600 के लिए, यहाँ हमने 9600 सेलेक्ट कर लिया। डेटा बिट इसकी 8 है, पैरिटी इसकी नन रखी हुई थी हमने, स्टॉप बिट इसकी 1 रखी हुई है, और फ्लो कंट्रोल जो है ये हार्डवेयर है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने ओके के बटन को प्रेस करना है। जब हम यहाँ पे ओके के बटन को प्रेस करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे वेट आना शुरू हो गया हमारा। ये वेट अगर हम स्क्रीन के ऊपर देखते हैं तो स्क्रीन के ऊपर अभी इस टाइम 0 है, तो यहाँ पे अब आप देखेंगे तो यहाँ पे भी 0 आ रहा है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 0 लिखा हुआ आ रहा है, ये सारा जो चल रही है 0। अब मैं इसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर 5kg डेड वेट रख लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं ये मैंने 5kg डेड वेट प्लेटफॉर्म के ऊपर रखा, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ये 5kg लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे 5kg लिखा हुआ, ये मजीद कंटिन्यूसली डाटा जो है कंप्यूटर के ऊपर आ रहा है। तो इसका मतलब है कंप्यूटर तक जो वजन है वो लिखा हमारे पास आना शुरू हो गया है, यानी कंप्यूटर के साथ ये कनेक्ट हो गया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने अपने सॉफ्टवेयर को चेक करना है कि सॉफ्टवेयर के अंदर हमारा वजन आ रहा है या नहीं। तो ये हमारा सिंपल ये सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर सिंपल यानी है कि इसका हमने सेटअप इंस्टॉल करना है, और ये 2 फाइलें हैं हमारे उसकी, तो ये एक केयर इंटरनेशनल का फोल्डर होगा और एक सेटअप फाइल, सॉफ्टवेयर सेटअप फाइल है। तो हमने सॉफ्टवेयर सेटअप फाइल जो है हमने सिंपल इसको यानी ओपन करना है और नेक्स्ट नेक्स्ट करके हमने इंस्टॉल कर लेना है, और दूसरी जो फाइल है उसको हमने ओपन करना है। इसमें सबसे नीचे होगा वेइंग ब्रिज के नाम का एक आइकन, इसके ऊपर हमने राइट क्लिक करना है फर्स्ट टाइम, क्योंकि अगर विंडोज 7 के ऊपर चल रहा होता है तो रन एव एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर हमने क्लिक करना होता है, हमने यस कर देना है। उसके बाद हमने पासवर्ड देना है, आईडी, यूजर आईडी और पासवर्ड हमने दे के जब हम ओपन करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर वजन ये पूरा 5kg हमें शो करवा रहा है। अगर फर्ज करें इसके ऊपर मैं कोई और चीज़ अपना मोबाइल भी रख देता हूँ तो यहाँ पे 5kg 15 ग्राम जो है 5kg 150 ग्राम शो कर रहा है, तो यहाँ पे भी 5kg 150 ग्राम हमें शो कर रहा है। तो यानी अगर इसके आगे कोई चीज़ होगी तो ये एंड वाला जीरो जो है ये पूरा हमें 5kg 150 ग्राम हमें शो करवा रहा है। यहाँ पे जो भी वेट मैं ऊपर नीचे करता हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे भी जो है वेट ऊपर नीचे कर रहा है। ये अगर मैं कोई भी चीज़ ऊपर नीचे करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी वजन प्लस माइनस हो रहा है, यानी जो चीज़ भी हमारा वहाँ पे होगी वहाँ पे ये वजन प्लस माइनस करेगा। इसमें 5kg मैंने डेड वेट ऊपर रखा हुआ है तो 5kg यहाँ शो कर रहा है। अब इसको चलाने का तरीका बहुत ही सिंपल है, हमने अगर हमने फर्स्ट वेट करना है, सेकेंड वेट करना है या डायरेक्ट वेट करना है, जो भी हमने वेट करना है तो वो हमने टिकटिंग के अंदर जाना है, और कोई भी रिपोर्ट वगैरह चेक करनी होगी तो वो हमने रिपोर्ट के अंदर आना है। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट वेट और सेकंड वेट कर लेते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि इसके अंदर ये वजन हमें बता रहा है या नहीं। सबसे पहले हमने टिकटिंग के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद अगर हमने फर्स्ट वेट करना है तो यहाँ से वेट सेव एज हमने फर्स्ट वेट के ऊपर क्लिक कर देंगे, सेकंड वेट करना होगा तो हमने सेकंड वेट के ऊपर क्लिक कर देंगे। डायरेक्ट वेट यानी डायरेक्ट वेट का मतलब है कि अगर कोई ऐसा बंदा जो कि खाली उसका बोरी का हमने वजन करना है, उसका सेकंड वेट नहीं होना, सिंपल एक ही वजन होना है, तो वो डायरेक्ट वेट के ऊपर क्लिक करेंगे। और उसके अलावा री एंटर फर्स्ट वेट की भी ऑप्शन है कि अगर फर्श करें
कि कोई गाड़ी आती है, वो कहती है हमें हमारा पहला वजन हमें पता है और हमने अब हम लोड करवा के आए हैं, उसके अंदर फिर पहला वजन निकाल दें, तो फिर हमने री एंटर फर्स्ट एड के ऊपर क्लिक करना है। अभी हम सिंपल फर्स्ट एड के ऊपर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे हमने व्हीकल नंबर लिख देना है, जो भी व्हीकल नंबर है फर्ज करें ABC 123, ये लिख के हमने एंटर के बटन को प्रेस करेंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट कोड, अगर प्रोडक्ट कोड हमें याद है, अगर 2 लिख के हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट कोड 2 का जो कोड है वो वुड है। उसके अलावा हम अपनी मर्जी से भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जो चीज़ है ये हम अंदर से टूल ए डाटा बेस मेंटेनेंस के अंदर जाके ये चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं, प्रोडक्ट और कस्टमर हम अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगर कस्टमर की बारी आती है, ये अगर हम लिखना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते हैं तो सिंपल गाड़ी का नंबर लिखने के बाद एंटर 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 अगर हम करते जाएंगे तो इसका प्रिंट निकाल आएगा। सिंपल हमने खाली गाड़ी नंबर लिखनी है। लेकिन अगर हम लिखना चाहते हैं कस्टमर जो है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ केयर इंटरनेशनल, उसके अलावा कंटेनर जो है, कंटेनर का कोई नंबर अगर हमने लिखना चाहते हैं तो लिख लें, नहीं लिखना चाहते तो ना लिखें। उसके अलावा नंबर ऑफ बैग्स, कितने नंबर हैं, ये 10 लिख लें, ये भी लिखना चाहते हैं तो लिख लें, नहीं लिखना चाहते तो कोई मसला नहीं। इसके बाद अगर हमने कस्टमर पे कोई चार्जेस लिए हैं 100 रुपीज या जो भी हमने चार्जेस अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख लें, नहीं लिखना चाहते हैं कोई ना लिखें। उसके बाद हमने फिर एंटर करना है, ये वो कह रहा है ड्राइवर अंदर बैठा हुआ है या नहीं, हमने नो के ऊपर पहले ही क्लिक है, फिर हम एंटर करेंगे, वो कह रहा है ऑल एंट्री आर करेक्ट एंड सेव नो, हमने येस करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। उसके बाद फिर वो कह रहे हैं प्रिंट स्लिप आप लेना चाहते हैं, अगर हमने येस कर देंगे तो हमारे कंप्यूटर से स्लिप जो है वो निकल आएगी। अभी हमारे पास क्योंकि इधर कंप्यूटर नहीं लगा हुआ तो हमने नो कर देंगे तो ये बैग मेन स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। उसके बाद अगर हमने फर्ज करें कि सेकंड वेट करना चाहते हैं, अब पहले तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं रिपोर्ट के अंदर जाके, फर्स्ट वेट रिपोर्ट में जाके देख लेते हैं कि ये सेव हो गया है डाटा या नहीं। अब आप ये देख सकते हैं कि ये इसका डाटा जो है, ये गाड़ी नंबर ABC 123 हमने सेव की थी, प्रोडक्ट है, ये कस्टमर है, चार्जेस, फर्स्ट वेट, डेट, टाइम, ये सारा ये रिकॉर्ड हमारा आ गया है। अब ये स्लिप नंबर जो है इसकी 5 है। अब हमने क्या करना है, ये 5 स्लिप नंबर जब सेकंड वेट करना है उसके अंदर जाके हमने खाली ये सीरियल नंबर में ये 5 लिखना है और एंटर करना है, उसने ऑटोमेटिक सारा जो सिस्टम है वो सारा कुछ हमें लिख के दे देगा। अगर फर्ज करें कि पहले 5 kg था, अब इसके ऊपर मैं कोई और चीज़ भी रख देता हूँ और इसका यानी वेट चेंज हो गया है, तो आप ये मेन के ऊपर दिखाता हूँ तो 5.31 आ गया है। अब ये 5 kg के अंदर 0.31 जो है ये माइनस कर देगा। यहाँ पे मैं सेकंड वेट में दोबारा जाता हूँ, ये 5 नंबर सीरियल नंबर देता हूँ, एंटर करता हूँ तो आप ये देख सकते हैं 5 - 5.305, ये जो इसका नेट वेट आ जाएगा 0.305 जो है इसका नेट वेट आ जाएगा। तो वो हमने क्या करना है, सिंपल नीचे हम क्लिक कर दें, उसके बाद हमने 2 दफ़े एंटर करेंगे तो वो कह रहे हैं ऑल एंट्री आर कलेक्ट सेव नो, हम दोबारा हम एंटर करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। अगर इसका प्रिंट लेना चाहते हैं तो हम येस कर देंगे, नहीं लेना चाहते तो हम नो के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो उसके बाद हमने रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है। अगर हमने फर्स्ट वेट डुप्लीकेट निकालना चाहते हैं या नेट वेट डुप्लीकेट निकालना चाहते हैं वो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये गाड़ी नंबर जो है सिंपल ABC 123 हम उसका गाड़ी नंबर लिखेंगे। अगर हम ये चेक करेंगे तो ये हमारे पास पूरा जो है इसका स्लिप जो हमारी निकलती है वो इस तरीके से आ जाएगी, यानी इसका सीरियल नंबर 4 है, व्हीकल नंबर जो है ABC 123 है, प्रोडक्ट इसकी ये आ गई, पार्टी ये आ गई, इसका जो फर्स्ट वेट है, ग्रॉस वेट जो है वो 5 kg था। तो इस तरीके से ना ये कंप्लीट इसका मान कितना है, क्वांटिटी कितनी है, एवरेज वेट कितना है, ये सारा कुछ जो है कंप्लीट डिटेल जो है, कंप्लीट डिटेल जो है इसकी यहाँ पर बता रहा है। उसके अलावा अगर आपने ये इनकम रिपोर्ट निकालना चाहते हैं, कस्टमर वाइज रिपोर्ट निकालना चाहते हैं, प्रोडक्ट वाइज रिपोर्ट निकालना चाहते हैं, व्हीकल रिपोर्ट निकालना चाहते हैं और सप्लाई लिस्ट, प्रोडक्ट लिस्ट, फर्स्ट वेट डुप्लीकेट, नेट वेट डुप्लीकेट, ये सारी इसमें ऑप्शन आ रही हैं। तो अगर आप ये सॉफ्टवेयर हमारे से परचेज करना चाहते हैं तो आप ये हमारे से परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप लोगों को इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स करके हमारे से पूछ सकते हैं। सॉफ्टवेयर ये बहुत आसान है, इस्तेमाल करना ये बहुत ज़्यादा आसान है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड आप लोगों को ये वीडियो की समझ लग गई होगी। अगर आप लोगों को इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स करके हमें पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।